हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का हमारा टॉपिक क्लास 10 के लिए वर्कशीट नंबर 4। इसका जो टॉपिक दिया गया है बेटा, वो दिया गया है त्रिभुज। त्रिभुज हमने कक्षा 9th में भी पढ़ा था। आइए कुछ जो भी हमने कक्षा 9th में पढ़ा था उसका हम यहाँ रिविज़न कर लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है वहाँ पर 9th क्लास में, उसी का रिविज़न है। इसमें अलग से ज़्यादा कुछ नहीं दिखाई देगा। हमने वहाँ सर्वांग समता पढ़ी थी। सर्वांग समता में हमने कई प्रकार की सर्वांग समता पढ़ी थी। सबसे पहली थी हमारे पास SAS सर्वांग समता। S का मतलब साइड, साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड सर्वांग समता। यानी किसी त्रिभुज में, मान लो एक त्रिभुज हमारे पास ये है, ठीक है, दूसरा भी त्रिभुज हमारे पास ये है, त्रिभुज की ये साइड दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा के बराबर है, ऐसे ही एक दूसरी भुजा दूसरी संगत भुजा के बराबर है, और ये जो दो भुजाएं बराबर हैं इनके बीच का कोण, यानी ये वाला कोण, जो भुजाएं बराबर हैं ये कोण, अगर ये आपस में बराबर हैं तो हम बोलेंगे ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। और कौन सी सर्वांग समता लग रही है? SAS भुजा कोण भुजा। कह भी रहा है दो त्रिभुजों में दो संगत भुजाएँ और उनके बीच का, यानी जो भुजाएँ हैं उनके बीच का ही होना चाहिए। इधर या इधर वाला नहीं, ये दोनों एंगल नहीं चाहिए हमें, हमें यही वाला एंगल चाहिए तभी लगेगी, अदरवाइज नहीं लगेगी। SS में इसमें तीनों भुजाएं, यानी ये भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो गई, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर हो गई, और तीसरी भुजा इसके बराबर होनी चाहिए। इसमें कोण का कोई रोल नहीं है कि कोण नहीं है। तो दो त्रिभुजों की तीनों संगत भुजाएँ अगर समान हैं तब भी त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। एक होती है ASA एंगल साइड एंगल, इसमें दो कोण और उनके बीच की भुजा, यानी कि अगर ये हमारा त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज हमारा ये है, मान लो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, इधर ये दूसरा एंगल ये इस वाले एंगल के बराबर है, तो जिस भुजा पर ये दोनों एंगल बने हुए हैं, यानी ये जो कॉमन है इनके बीच में, ये वाली भुजा उस दूसरे त्रिभुज की दोनों एंगल के बीच बनने वाली भुजा के बराबर ही होनी चाहिए। ये वाली इनसे कोई मतलब नहीं है हमें, ठीक है, ये वाली भुजा ही हमारी बराबर होनी चाहिए, तभी हमारा ASA लगता है। लेकिन इसी का ही कुछ एप्लीकेशंस हैं, इसलिए हम AAS, ठीक है, इसको भी हम यूज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, जब दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण तो बराबर होगा ही होगा, ठीक है, तो इस, ठीक है, तो ये हो जाता है। तो इस भुजा के अलावा कोई अन्य भुजा भी बराबर होगी तब भी हमारा ये लग जाता है, लेकिन मेन हमारे पास ASA ही होता है। RHS ये समकोण त्रिभुजों के लिए है, यानी कि दो त्रिभुज अगर समकोण हैं तो एक तो उनमें कर्ण बराबर होना चाहिए, वो कंपलसरी है, यानी कर्ण जो है ये तो बराबर होना ही चाहिए। बाकी जो दो भुजा बच गई, ये सिर्फ समकोण त्रिभुज में लगेगी, पहली कंडीशन तो ये दोनों त्रिभुज समकोण होने चाहिए, तो कर्ण बराबर होना चाहिए, बाकी जो दो भुजा बच गई उनमें से कोई सी भी एक भुजा आपस में बराबर हो, यानी दोनों भुजा, कहने का मतलब ये है ये वाली भुजा अगर इस भुजा के बराबर है या दूसरी भुजा आपस में बराबर है तो RHS रूल लग जाता है। दो समकोण त्रिभुजों में कर्ण और अन्य एक संगत भुजा समान होनी चाहिए, इसमें कोण वगैरह से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कोण तो बराबर है ही एक इनमें एक, ठीक है। अब इधर आता है मध्य बिंदु प्रमेय। ये क्या होती है? देखो, नीचे तुम्हें एक त्रिभुज बना के दिखा रखा है, ये त्रिभुज ABC है। अगर इस त्रिभुज की जैसे ये भुजा है, इसका मध्य बिंदु ई है और इधर AC का मध्य बिंदु एफ है, अगर मैं EF को मिला दूँ तो ये जो EF हमारे पास आई है, ये तीसरी भुजा कौन सी? BC से पैरेलल होगी और लंबाई में आधी भी होगी, यानी EF जो है आधी भी होगी BC के, दोनों चीज़ होंगी, यानी EF पैरेलल होगी, यहाँ पे इन्होंने आधी नहीं बता रखा, और EF ये वाली जो भुजा है ये इससे आधी होगी, यानी अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये कितनी होगी? ये 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखो हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा यहाँ पर। अब हम इधर देखो, माध्यिका के बारे में बता रहा। माध्यिका क्या होती है? किसी बिंदु के शीर्ष से अगर सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा खींची जाए, ये देखना ये मध्य बिंदु ही होना चाहिए, ये शीर्ष है और ये सामने जो QR है इसका मध्य बिंदु, अगर इनको हम आपस में मिला दें तो इसको हम क्या बोलते हैं? माध्यिका, ठीक है, इसको हम बोलेंगे माध्यिका। ये हमेशा
किसी भी शीर्ष से खींची जा सकती है, ये Q से भी खींची जा सकती है। तो हमें PR का मध्य बिंदु लेना है, तब ये माध्यिका हो जाएगी। ऐसे अगर मैं R से खींचूँ तो मैं जो PQ का मध्य बिंदु लेना है, तब हमारी ये, और ये माध्यिका हमेशा एक ही, ध्यान रख लेना आप, ठीक है। तो PQR में माध्यिका है, अब माध्यिका है तो इसका मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होंगी, ये मध्य बिंदु होगा, ठीक है। भुजा QR का मध्य बिंदु है। तो कहता किसी त्रिभुज की माध्यिका उस त्रिभुज को दो समान क्षेत्रफलों में बांटती है, कहने का मतलब ये हो गया। अब जैसे दो त्रिभुज बन गए, एक त्रिभुज तो ये वाला बन गया और एक त्रिभुज हमारा इधर वाला बन गया, ये दोनों त्रिभुज, इनका क्षेत्रफल हमेशा बराबर रहेगा, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल PQ2, एरिया ऑफ ट्राइंगल PRT हमेशा बराबर रहेंगे। ये सब चीज़ें आपने 9th में पढ़ी हुई हैं। कहता किसी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है वो सबसे लंबी भुजा होती है, वो तो देखने से ही पता चलता है हमें, ठीक है। आइए दोबारा यहाँ पर कहता दो आकृतियाँ सर्वांग सम हैं यदि उनका आकार समान होने चाहिए, तभी तो होती हैं सर्वांग सम। आकार यानी भुजा भुजा भुजा, ठीक है, सारी भुजाएं बराबर हों, उनके कोण बराबर हों, तो आकार और माप दोनों बराबर होने चाहिए, तभी हम उसको सर्वांग सम बोलेंगे, अदरवाइज नहीं। किसी त्रिभुज के समान कोणों की सम्मुख भुजाएं भी समान होती हैं, अर्थात जैसे ये त्रिभुज है, ये दोनों, ये वाला कोण और ये वाला कोण, यानी दिस कोण और दिस कोण अगर इक्वल है तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी होगी, ये वाली, और इस कोण के सामने, तो यानी ये वाली भुजा और ये भुजा, ये दोनों हमारी बराबर होंगी। ऐसे उल्टा समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं और समान कोणों के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं। क्या था किसी त्रिभुज में समान, ये देखो ये दोनों चीज़ एक दूसरे की रिवर्स है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, आधार ये होता है और लंब, जिसके साइड के ऊपर लंब बना दिया जाए हम उसी को आधार मानेंगे। ज़रूरी नहीं है कि नीचे वाली साइड के ऊपर ही लंब बनाया जाए, ये लंब हमारा इधर भी बनाया जा सकता है। अब आधार ये है, ठीक है, तो ये चेंज हो सकता है। आइए करते हैं कुछ क्वेश्चंस, स्वयं प्रयास करिए। मैं देखो त्रिभुज की सर्वांगसम जो आकृतियाँ उनके क्या क्या समान होते हैं, एक तो आकार उनका समान होता है और एक माप उनका समान होता है, अभी हमने यहाँ पढ़ा था। आगे कहता है समकोण त्रिभुज PQR में PQ की वैल्यू दे रखी है, PR की वैल्यू दे रखी है, QR, तो कहता है इसको सिद्ध करो, इनकी वैल्यू रख दो, PQ यानी 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस QR यानी 4 का स्क्वायर, ठीक है। पहले लेफ्ट हैंड साइड ही निकाल लेते हैं हम, तो देखो ये 9 हो गया और ये 16 हो गया, ये 25 आ गया, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी। अब हम राइट हैंड साइड निकाल लेते हैं, राइट हैंड साइड क्या है, PR स्क्वायर, और PR की वैल्यू क्या है, 5 का स्क्वायर यानी कि 25, हो गए दोनों बराबर, तो क्या लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सिंपल। नाउ नेक्स्ट देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कहता दी गई आकृति में, ये जो आकृति है ये वाली, ई जो है मध्य बिंदु है और ई एफ इसके पैरेलल है। अगर ये अभी हमने मध्य बिंदु थ्योरम पढ़ी है, ये मध्य बिंदु है और ये ई एफ जो है इस लाइन के पैरेलल है, तो ये इधर जहाँ पर मिलेगी एक्स जेड को जहाँ भी मिलेगी, यानी ये बिंदु भी मध्य बिंदु ही होगा, तभी ये पैरेलल होती है, अदरवाइज नहीं। तो एक्स जेड तुम्हें क्या दे रखा है, 7 सेंटीमीटर, तो क्योंकि एफ जो है मध्य बिंदु है तो वो एक्स एफ पूछ रहा है, एक्स एफ क्या हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको आप लिख लेना कि दिया है एक्स वाई मध्य बिंदु है, ठीक है, ई एक्स वाई का मध्य बिंदु है तथा ई एफ जो है समांतर है वाई जेड के, तो मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार एफ भी एक्स जेड का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा, एफ भी एक्स जेड का मध्य बिंदु होगा, इसलिए जो एक्स एफ है वो एक्स जेड 2 हो जाएगा, यानी 7/2 यानी कि 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। माध्यिका को परिभाषित कीजिए, किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं, ठीक है। किसी भी त्रिभुज में किसी भी शीर्ष से, 3 शीर्ष होते हैं, किसी भी शीर्ष से सम्मुख भुजा को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे माध्यिका कहते हैं। तो इस तरह से ये चारों क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं, और अभी आपको अपनी कॉपी में करके अपने अपने टीचर को साफ साफ सा फोटो खींच के सेंड करने हैं ताकि वो उनको चेक कर सकें। धन्यवाद।